Assalamu alaikum. I am Iram Razak from 10th batch, 4th semester. Today I am going to tell you about asylum. The protection granted by a state to someone who has left their home country as a political refugee. State ne kisi aise shahri ko tahaffuz faraham kiya hai jisne apne abai mulk ko ek siyasi muhajir ki haisiyat se chhod diya hai. असाइलम एंड इंटरनेशनल लॉ. सबसे पहले असाइलम का मतलब समझना हमारे लिए ज़रूरी है. ये एक ग्रीक वर्ड से निकला है, उस लैटिन काउंटर पार्ट इज असाइलम, और इसका मतलब है कब्ज़े से आज़ादी. सियासी पना की कोई ख़ास तारीफ नहीं है, लेकिन ये जुल्म सितम के खौफ से अपने वतन से फरार होने वाले लोगों को कानूनी तहफ़ के तौर पर समझा जा सकता है. ये मुस्तकिल तौर पर या आर्जी मुद्दत के लिए किसी मुल्क में रहने का इम्कान है वो शख्स जो बैनुल अक्वामी सियासी पनाह के ख्वाह हैं, यानी एक सियासी पनाह का तलाश करने वाला अजायली के नाम से जाना जाता है. आर्टिकल 14 ऑफ UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. आर्टिकल 14 में UDHR के तहत किसी फर्द को किसी भी मुल्क में पनाह हासिल करने का हक फराहम किया जाता है ताकि वो जुल्म सितम से महफूज रहे. आर्टिकल 14 की क्लॉज 2 के मुताबिक बशर्त ये कि जो भी फर्द जिसके पास किसी भी ऐसी चीज़ का मुजरिमाना रिकॉर्ड मौजूद हो जो यूनाइटेड नेशन के उसूलों के मुताबिक काबिल कबूल ना हो, वो पनाह नहीं ले सकता और गैर सियासी वजूहात की सूरत में असाइलम से इनकार किया जा सकता है. उसे बुनियादी कानून समझा जाता है, ताहम हिंदुस्तान इसका फरीक नहीं है. आगे टेरिटोरियल असाइलम. देर आर टू टाइप्स ऑफ असाइलम, टेरिटोरियल असाइलम एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम. सबसे पहले बात करते हैं टेरिटोरियल असाइलम के बारे में. जब रियासत अपने इलाके में असाइली को पनाह फराहम करती है, उसके इलाके पर हर खुद मुख्तार रियासत का खसूसी कंट्रोल किसी रियासत के इलाकाई पना देने के हक की पुश्त पनाही करता है. मिसाल के तौर पर अगर कोई फर्द शाम से ताल्लुक़ रखने वाला तुर्की आता है और शाम में खौफनाक सूरत हाल और उसकी जान को खतरे के खदशे की वजह से पनाह की दरख्वास्त देता है, अगर उस फर्द को तुर्की हुकूमत ने मुल्क के अंदर ही असाइलम अता किया, तो ये इलाकाई पना यानी टेरिटोरियल असाइलम की एक मिसाल है. असाइलम की कुछ मिसालें आपके सामने हैं जो कि दलाई लामा और सलमान रुश्दी की हैं. दलाई लामा की मिसाल मैं पेश करती हूँ आपके सामने. वो पना जो हिंदुस्तान ने 1955 में दलाई लामा और उनके पैरोकारों को हिंदुस्तान में दी थी, क्योंकि वो लोग चीन में एक तवील अरसे से मुजालिम का सामना कर रहे थे. दूसरी मिसाल सलमान रुश्दी की है. सलमान रुश्दी एक राइटर थे जो अपने नावल सैटैनिक वर्सेस की वजह से तनाज़ात में थे. उनको बरतानिया ने पनाह दी थी जबकि इस्लाम की काफ़ी ज़्यादा खिलाफ वर्जी की थी इन्होंने, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मुश्किल में थे. एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम. शाम से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स की जान को ख़तरा लाहक होने की वजह से पनाह देने के लिए शाम अमरीकी सिफारतखाने से रुजू करता है. अगर अमरीकी सिफारतखाना पनाह देता है तो ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम की मिसाल बन जाता है. असाइलम इन डिप्लोमेटिक असाइलम. अगर कोई स्टेट असाइलम दे रही है, ख्वाह वो एम्बेसी हो या फॉरेन लेजेशन हो, अगर वहाँ असाइलम प्रोवाइड कर रही है, वैसे वहाँ असाइलम के राइट्स तो नहीं होते लेकिन इंसानियत के तहत दी जाती है, क्योंकि अक्सर ऐसा समझा जाता है कि इसकी सरजमीन पर मेज़बान मुल्क की खुद मुख्तार ताकत मुदाखलत करता है और आम तौर पर सियासी पनाह का हक उसे बैनुल अक़वामी कानून में तस्लीम नहीं करता. अगर कोई शख्स तशद्दुद की वजह से जिस्मानी ख़तरे में है, उसे तस्लीम ना करने की दो वजूहात हैं. पहली ये कि उससे रियासत की इलाकाई खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी होती है,
और दूसरी बात ये कि काउंसलर इम्यूनिटी और डिप्लोमेटिक की खिलाफ वर्जी है। रिसीविंग पार्टी के सरबरा की रजामंदी के बगैर गैर मुल्की कानून साजी और काउंसलर प्रेमिसेस के अहाते में दाखिल नहीं हो सकती। असाइलम इन द प्रेमिसेस ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में सियासी पना देने का कोई आम हक नहीं है। इंटरनेशनल लॉ के लिहाज से इस तरह के उसूल की कोई शनाख्त नहीं है। इंटरनेशनल लॉ में यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह शामिल हैं। इस सिलसिले में यूनाइटेड नेशन या दीगर एजेंसीज के किसी भी एग्रीमेंट की अदम मौजूदगी ने इस नामंजूर का जवाब बरकरार रखा है। असाइलम इन वॉरशिप। वॉरशिप जंगी जहाज को कहते हैं। ये सिचुएशन इंतहाई गैर यकीनी है क्योंकि इसके बारे में कोई ख़ास गाइडलाइन मौजूद नहीं है। ताहम काउंसलर प्रेमिसेस, लेजेशंस और एम्बेसीज में सियासी पना की तरह ही है। अगर कोई वॉरशिप अपने मुल्क का हिस्सा छोड़कर बॉर्डर क्रॉस कर ले और दूसरे मुल्क के हिस्से में जा पहुँचे तो इस साहिली रियासत के पास सिर्फ और सिर्फ इतना इख्तियार होता है कि जहाज़ को अपना इलाकाई पानी छोड़ दे और कुछ भी ना करे। इससे आगे अजाइलम के बारे में सादिया गफ्फार एक्सप्लेन करेगी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सादिया गफ्फार फ्रॉम 10th बैच 4th सेमेस्टर। आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट असाइलम इन मर्चेंट वेसल्स। बेसिकली मर्चेंट वेसल्स में तजारती बहरी जहाज़ शामिल हैं। वो इलाका जिसमें वो उस मुल्क का कानून है उनका पाबंद है। वो जंगी जहाज़ की तरह वर्क करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई फ़र्द जुर्म करता है और फिर यूके के मर्चेंट वेसल से जो फ्रांस के आबी जख़ीरे में हैं, ऐसे में फ्रांसीसी हुकूमत फ़र्द को फ्रांस की पोर्ट पर छोड़ दे और अगर दोनों ममालिक के माबैन कोई मुआहिदा हो तो वो पनाह दी जा सकती है। बेनिफिट्स ऑफ असाइलम। फ्यूचर सेटिंग के बगैर अपना मुल्क छोड़ना और दूसरे ममालिक का रुख करना इंसान के लिए बहुत सारे चैलेंजेस लाता है और ये उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है जिन्हें अपने आबाई मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया था। ये अज़ियत से आज़ादी फराहम करता है और वो इजहार राय की आज़ादी के हक़ से दोचार हैं। रोल ऑफ नेशनैलिटी इन द असाइलम। 1951 के मुहाजिर कन्वेंशन में ये बात मौजूद है कि नस्ल, मज़हब या मुल्क की बुनियाद पर किसी भी फ़र्द के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा सकता। ताहम जब रियासत इस सवाल पर फैसला कर रही है कि आया किसी को सियासी पनाह देनी चाहिए या नहीं, फिर डिफरेंट फैक्टर पर गौर किया जाता है। दरख्वास्त जमा करवाने के बाद उस फर्द का इंटरव्यू लिया जाता है ताकि सियासी पनाह की दरख्वास्त करने की वजह से मुतालिक तमाम मालूमात हासिल कर सकें। रियासत अक्सर किसी फर्द की कौमियत को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला करती है कि आया इस शख्स को असल ज़रूरत है या नहीं। डिफरेंस बिटवीन असाइलम एंड एक्सट्रेडिशन। ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। असाइलम मेज़बान मुल्क के ज़रिए उन तमाम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ और एक महफूज जगह फराहम कर रहा है जो ख़तरे और जुल्म सितम से मजबूर अपने आबाई मुल्क छोड़ चुके हैं। ये एक ऐसा अमल है जो सिर्फ उसी वक्त होता है जब उसमें शामिल दोनों ममालिक के माबैन में एक ख़ास एडहॉक मुआहिदा होता है या उसके मुतालिक बाहिमी मुआहिदा होता है। फेमस केसेस ऑफ असाइलम। एक केस जिसने मीडिया की बहुत तवज्जो हासिल की वो जूलियन असेंजर का है। वो ऑस्ट्रेलियन एडिटर, पब्लिशर और विकीलीक्स का फाउंडर है जिस पर स्वीडन हुकूमत ने असमत दरी के मामले और एक बदसुलूकी के मुकदमे का इल्ज़ाम आयद किया था। स्वीडन हुकूमत ने असेंज की हवालगी के लिए दरख्वास्त दायर की थी और यूके की कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मई 2012 में उनकी मुल्क बदरी स्वीडन भेजने का हुक्म दिया था।
जून 2012 में उन्हें एक्वाडोर के सिफारत खाने में इंग्लैंड में पना दी गई थी, और वजह यह बताई गई कि अगर उसे स्वीडन भेज दिया गया तो उसके इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी होगी। मई 2019 में उन्हें जमानत की शरायत के खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में 50 हफ्तों की जेल की सज़ा सुनाई गई थी। कॉन्क्लूजन, असाइलम बैन अल-अक़वामी कानून का एक बहुत अहम हिस्सा है। अब पहले से कहीं ज़्यादा मिडल ईस्ट कंट्रीज़ अफरा तफरी का शिकार हैं। मुल्कों के माबेन बढ़ती हुई जंगें हो रही हैं, भारत में CAA, NRC बहस वगैरह वगैरह, ये ज़रूरी हो गया है। हिंदुस्तान समेत मुख्तलिफ मालिक को अपने मुमालिक में वाज़ह पनाह का कानून रखने की ज़रूरत है। इस उसूल की हैसियत से जिसको हर मुल्क पर अमल पैरा होना ज़रूरी है, वो इंसानियत का उसूल है। थैंक यू सो मच।